नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर लाइव। पंचायती चुनाव का जो दौर है वो अंतिम दौर चल रहा है। आपको बताते चले कि दो चरण और मतदान बचा हुआ है और लगातार जो भी प्रत्याशी है वो जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। लेकिन जहां अभी हम मौजूद हैं, जहां पहुंचे हैं, सिवान के सिसवन प्रखंड के भिकपुर पंचायत है। और भिकपुर पंचायत एक ऐसा पंचायत था जहाँ पर रिजल्ट आने में काफ़ी देर हुआ था कि एक जो वार्ड था उस वार्ड का जो वोटिंग हुआ था उस ईवीएम में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके बाद फिर दोबारा वहां पे मतदान हुआ था। मतदान उस वार्ड में हुआ था जो बूथ वार्ड नंबर 7 था। हालांकि हम आपको बताते चले कि भिकपुर पंचायत से अभी तक एक ही परिवार से मुखिया का सीट कायम रहा। हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह हमारे साथ मौजूद है, चूंकि ब्रजेश सिंह भी लगातार दूसरी बार जिला परिषद का चुनाव जीत हासिल किए हैं और जिले में उपाध्यक्ष के पद पर भी तैनात थे, मौजूद है, बात करेंगे। चूंकि जब चुनाव हुआ था तो काफ़ी गहमा गहमी था, कई तरह के अफवाहें सामने आई। हम सबसे पहले तो आपसे सर जानेंगे कि जिस तरह से जो चुनाव का जो गहमा गहमी था, सभी रिजल्ट सामने आ गई थी, लेकिन आपके जो क्षेत्र था, जो आपके पंचायत था, उस पंचायत में मात्र एक वार्ड का जो टेक्निकल फॉल्ट था वो रुक गया था, उसके बाद फिर मतदान हुआ। दोबारा जो मतदान हुआ, कई तरह के आरोप आप पे लगे, क्या उस आरोप को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सिवान से चलकर इस 26 किलोमीटर देहात में चैनपुर जगदीशपुर में आप पधारे। इसके लिए विजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आरोप की बात तो जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, डीडीसी महोदय, एसपी साहब, डीएसपी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने देख रेख में इस वार्ड का चुनाव करवाया, जो एक पारदर्शिता पूर्वक एक एक वोटरों का वीडियोग्राफी करके वोट डलवाया। इसलिए मैं सबसे पहले जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि निष्पक्ष चुनाव करवाए। चुनाव भी हो गया, आपकी सीट भी निकल गई, इस पंचायत से आपकी पत्नी मुखिया फिर से बन गई, ये पूरा श्रेय किनको जाता है? देखिए, ये पूरे श्रेय भिकपुर के जो नोनिया समाज है, वहाँ के एक जवाहर जादव का परिवार है जिसके घर में 22 वोट हैं, वहाँ के शिया समुदाय के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मुस्लिम में एक सिया समुदाय होता है जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उन लोगों ने के द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग करके वहाँ के अंसारी भाई हमारे हैं, उन लोगों द्वारा भी हमें भरपूर मदद करके अपना बहुमूल्य मत बबीता सिंह को दिया और 210 वोट दिया, और पहले से 34 वोट से बबीता सिंह आगे थी, इसके चलते विजय श्री हासिल हुआ। चलिए, आपकी सीट निकल गई और इस पंचायत से लगातार आप ही के परिवार से इस पंचायत से मुखिया पद जो है कायम रहा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक आपके यहाँ मुखिया रही, लेकिन जो पंचायत की स्थिति है, कई तरह के चुनाव जब भी आता है तो आरोप लगता है कि ये रोड नहीं बना है, यहाँ पे रोड होना चाहिए, कई तरह के, क्या लग रहा है अब किस तरह का इस पंचायत में विकास का कार्य होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो विकास चाहिए, एक भी गली नहीं है, नली नहीं है जो बकाया हो। एक पंचायत को चाहिए, एक मुखिया की जो जवाबदेही चाहिए, उतना जवाबदेही यहाँ के मुखिया ने पूरा किया है। मैक्सिमम लोगों का वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरावास बीच में दलालों द्वारा हाईजेक कर लिया गया था विगत 5 साल, कि जो दलाल अपने हाथ में कर लिए थे, लोगों से 20-20 हज़ार का ठगी मेरे पंचायत में किया गया। इससे मैं बहुत दुखी हूं, और लेकिन दलालों के मसूबा पर इस बार पानी फिर जाएगा। 1 रुपया इस पंचायत में शौचालय हो, इंदिरावास हो, कहीं 1 रुपया घुसखोरी नहीं चलेगी, मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। और शिक्षा की व्यवस्था, जितने मिडिल स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं, वहाँ नियमित रूप से शिक्षकों को आना जाना होगा,
और बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना होगा, नहीं तो मेरे क्षेत्र में से उनका स्थानांतरण जरूर हो जाएगा। उसमें मेरा तरफ से किसी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। मेरा प्रथम प्राथमिकता इस पर है। जिस प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, चूँकि लगातार ये देखा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं उन स्कूल के महज 400-500 मीटर पर उनका घर है, स्कूल तक पहुंचने में उन्हें 11 बज जाता है। कई तरह के खबरें भी आई होंगी, आप उससे बखूबी जानते भी होंगे, इस पर कितना आप ध्यान आकर्षित आपका अपना होगा? आप जो बोल रहे हैं ये 100% सत्य बात बोल रहे हैं कि जहाँ 10 शिक्षक हैं वहाँ 5 शिक्षक स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं। विकास की राशि आई 60,000, कागज में उपयोगिता दिला गया, कुछ बीओ खा गया, कुछ डीओ खा गया, लेकिन इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन नकले कौन कसेगा सर? आपको तो जनता इसलिए तो भेजी है कि कम से कम इस चीज को खत्म करें, इस चीज को आप दूर करें। नहीं नहीं, इस चीज पर मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि जितने शिक्षक हैं उनको उपस्थिति अनिवार्य आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो एक दिन पहले उनको अनिवार्य कार्य कोई होगा तो अवकाश लेना पड़ेगा, लेकिन जो विकास की राशि छात्रवृत्ति की राशि आएगी बच्चों के खाते में जाना होगा, और जो विकास मद में राशि आएगा वो इंप्लीमेंट करना होगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, नहीं तो कानून सम्मत उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेरे तरफ से इसलिए जो भी इसका अंजाम हमें भुगतना पड़े हम इस अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हैं और इसको अमल करवाएंगे अपने क्षेत्र में। चलिए हम थोड़ा सा जिला परिषद के भी बात कर लेते हैं, चूँकि जिला परिषद का आप दूसरे टर्म यहाँ से रहा, आपका जीतने का जो सिलसिला रहा, उपाध्यक्ष भी आप इस जिले में थे जिला परिषद के, क्या लग रहा है अब किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है? देखिए फिर हम उपाध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथी लोगों का हमें सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और पुनः हम जिला परिषद उपाध्यक्ष बनेंगे भी, और इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो मेरे साथी चुनाव में हैं उनसे भी मेरा ईश्वर से आग्रह है कि अपने धर्ज का पालन करते हुए पुनः विजय हासिल करें और आए हमें पुनः अपना सहयोग दें और पुनः मुझे जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनाएं। देखा गया कि पुराने साथी जो थे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, वो हारते जा रहे हैं, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, ऐसे में जिला परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि और भी प्रत्याशी होंगे, तो क्या कुछ रणनीतियाँ बन रही हैं? देखिए जब भी आज तक 2001 से आज तक 5-6 से अधिक रिपीट नहीं लोग करता है, पुराने लोग इसलिए नहीं करता है कि जनता का विश्वास एक जिला परिषद पर बहुत होता है और उनके पास है कुछ नहीं खर्चा करने के लिए, मद कोई नहीं है, जो अपने सोशल हैं व्यवहार कुशल हैं उन लोग अपना इज्जत बचा लेते हैं, लेकिन जो लोग मद के फेरे पड़ते हैं मदे में आते जाते रह जाते हैं और जनता छूट जाता है और पुनः वो हार जाते हैं चुनाव। इसलिए जो भी साथी हमारे आएंगे वो तो मेरे साथ हैं, लेकिन नए लोग भी मेरे साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपको वोट देकर इस क्षेत्र के लोगों ने आपको जीत हासिल दिलाया है, तो लग रहा है कि उनसे जो आपने वादा किया उस वादे पर आप पूरी तरह से खड़ा उतर पाइए? अरे एकदम, जो मैंने जनता के बीच में, हम परमानेंट जनता के बीच में रहते हैं, ये जनता का दुख सुख मेरा दुख सुख है, और रह गया किसी प्रकार का कोई जरूरत हुआ जनता को तो मेरा वहाँ खून देना होगा तो खून भी देने के लिए हम तैयार हैं। रह गई जितनी सरकार की विकास राशि है जो भी मद है उसको अमल जरूर करवाएंगे। अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन से जिला वासियों से जीते अपील करिए। हम सिवान जिला वासियों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, प्रार्थना है कि अपने धैर्य और संयम पूर्वक रहें और मेरे क्षेत्रवासी जितने मतदाता मालिक हैं हम उनकी सेवा में सदैव हैं रहेंगे, किसी प्रकार का निसंकोच कभी भी हमको दूरभाष से मोबाइल से फ़ोन कर सकते हैं, हम उनके लिए 24 आवर्स सेवा में हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं इस पंचायत के, इस क्षेत्र के लोग हैं चूँकि इस पंचायत से मुखिया बनाते हैं, इसी पंचायत के हैं आप?
ब्रजेश सिंह जिला परिषद बन गए हैं, उनकी पत्नी इस पंचायत से मुखिया है। इस परिवार में लगातार आजादी के बाद से अभी तक मुखिया ही कायम है, क्यों इनको ही आप लोग क्यों चुनते हैं? इनको चुनते हैं हम लोग काम देखकर, इनका इतना काम है जे ना किसी को ना अपना ये क्या बोलते हैं घूस फूस नहीं देते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, गरीब को लड़की को शादी कराते हैं। एक बार मेरा पत्नी को ऑपरेशन हुआ था, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ये लोग अपना गेहूँ बेच कर मेरे को 5,000 रुपया दिया था। सिवान में मैं जाकर उसको ऑपरेशन कराया तो मेरा पत्नी बच गई। अभी मैं लेबर में विदेश में काम करता हूँ, वहाँ से मैं अपना किराया लगा कर 23,000 रुपया टिकट का किराया लगा कर मैं वोट देने के चुनाव में वोट देने के लिए आया हूँ। दुख सुख में काम, बहुत दुख सुख में। दोबारा आपके पंचायत में चुनाव हुआ, एक एवीएम का जो टेक्निकल फॉल्ट था वो खराब हो गया था, शायद वार्ड नंबर 7 था, 7 नंबर ठीक। फिर चुनाव हुआ, कैसा रहा दोबारा जो चुनाव? अरे पहले दोबारा जो चुनाव हुआ बहुत धांधली था, इसमें हम लोग 20 साल से है देख रहा हूँ, आज तो कैसा धांधली नहीं हुआ, पूरा गुंडा बदमाश सारा वो 7 नंबर बूथ पर उतर गए, इतना यहाँ तक कि वो लड़ाई पर उतर गए। लेकिन ये हमारा बबता सिंह एकदम बिल्कुल अपना कुछ नहीं, किसी से यही बोली कि कोई कुछ भी कर देता है, गाली देता है, किसी को मार भी देता है, तो आप लोग को नहीं बोलने का है, हमारा ये चुनाव की बात है, इन लोग हम लोग पर दूसरा तरीका लगाकर हम लोग को बदनाम करने के लिए सारा ये करते हैं। बहुत लोग रात में 20-25 लोग बहुत पैसा भी बांटे वो गांव में, पैसा बांटा, लेकिन हम लोग एक पैसा किसी को नहीं दिया हमारा मुखिया बबता ने। हम मिठाई 1 किलो 2 किलो वो महावीर जी का स्थान पर चढ़ाई, सुबह प्रसाद के रूप में बांट दिया, वही हम लोग काम किया, किसी को देना लेना पैसा के काम नहीं किया। हम लोग गरीब का ये हमारा मुखिया जो है गरीब को मदद सेवा करते हैं, इसीलिए दोनों चुनाव क्या 20 साल से चुनाव दो बार ब्रजेश राय 2 बार चुनाव जीत गए, 2 बार उनका पत्नी भी जीत गई, उनका यही उन लोग का है गरीबों में काम करना, इनको बीच रहते हैं, इसीलिए हम लोग इनको जिताते आ रहे हैं, गरीबों का नेता है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? छबीला यादव। लड़ाई काफी टॉप था आपके पंचायत? बहुत ज्यादा टॉप था। फिर से बबीता देवी इस पंचायत की मुखिया बनी? जीतबे करेगी, इसलिए जीतेगी कि वो और हमेशा यहाँ जो जब जीतते हैं तो काम होता है, विकास होता है, हर तरह पब्लिक को मदद मिलता है, सब कुछ, इसलिए हम लोग जिता देते हैं सारी जनता मिल करके। यहाँ तो धांधली था बहुत ज्यादा, सारे नेता लोग आ करके यही बात कहे कि भाई इनको हरा देना है किसी तरह से, लेकिन यहाँ की जनता ने यही प्रण कर लिया कि नहीं हम लोग इनको वोट देकर जिताएंगे। MLA MP सबका यही है कि इसको हरा देना है बबीता जी को, लेकिन जीत हो गई। जीत हो गई, चलिए आप लोग का सहयोग था इसलिए शायद जीत हो गई है, क्या कहेंगे चाचा? वहाँ के तो बहुत काम करे हैं, रोड के नाला के, वहाँ के मान लीजिए मुखिया ही 5 साल में रहे, बहुत काम किए हैं, इसलिए दोबारा वहाँ के फिर हम मदद मतलब जनता दहलो से या जब जीत जाएंगे तो फिर आरू आगे काम हमारा होगा। प्रत्याशी तो और भी तमाम लोग थे, तमाम है, लेकिन वो काम तो मान लीजिए खाली प्रत्याशी के नाम भर है, काम तो है नहीं, तो कहाँ से दोबारा आएंगे? एक वो गाड़ी रहती है स्पेशल जनता के सेवा करने के लिए, कोई बीमार पड़ गया, कोई के बच्चे होने वाला है, वो गाड़ी 24 घंटा हॉस्पिटल में आती है जाती है, तो ये सब सेवा तो बहुत जनता के होता है, इसीलिए मान लीजिए ये पंचायत में बदलाव नहीं हुआ। बदलाव नहीं हुआ, लगभग पंचायतों में तो बदलाव हो गया है सर, लेकिन जहाँ नहीं काम हुआ है वहाँ तो बदलाव होना ही है, यही तो काम तो यहाँ बहुत होता है सर। चलिए तो ये थे यहाँ की जनता, और जनता के बाद हमने तमाम प्रतिक्रिया लिया जनता का, और ब्रजेश सिंह से भी हमने बात की, ब्रजेश सिंह भी अपनी बातों को बेखूबी से रखा, चूँकि जब इस पंचायत में चुनाव था तो चुनाव के दौरान भी काफ़ी कई तरह के अफवाहें आरोप लगते आया, और जब मतगणना हुआ उस वक्त भी एक EVM का टेक्निकल जो फॉल्ट था उसके बाद भी कई तरह के आरोप इन पर लगते आए, लेकिन फिर इस पंचायत में वार्ड नंबर 7 में दोबारा मतदान हुआ, वो भी मतदान बिल्कुल प्रशासन के देखरेख में शांतिपूर्ण हुआ, और बबीता देवी इस पंचायत से फिर मुखिया पद पर अपना जीत हासिल कर लिया, और ब्रजेश सिंह भी जिला परिषद पद के लिए क्षेत्र से हासिल कर लिया।